ओ गाइस नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से, क्योंकि अब इतना ही हुआ ना, सुबह नाश्ता वास्ता बनाया, बच्चे स्कूल भेजे और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा, अपना नहाना धोना सभी काम हो जाता है, आपको पता ही हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्टिंग कर देती हूँ। आज फिर बहुत दिन हो गए थे, भी बनाया भी नहीं था ब्लॉग, तो मैंने सोचा कि आज बना ही देती हूँ। और गाइस देखो, मैं लगा रही हूँ अब साड़ी में फॉल, ठीक है? ये देखो कैसी है साड़ी, दिखाऊँ आपको? गाइस ये है साड़ी, इसमें लगा रही हूँ मैं फॉल। और फिर आप बने रहना ब्लॉग पे और देखना कितना टाइम लगता है मेरा फॉल लगाने में, ठीक है? गाइस देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको लगाने में, क्योंकि मैंने नीचे साइड को तो कल रात को लगा दिया था इसमें, क्योंकि वो तो कहीं पे बैठ के भी आराम से लगाया जाता है ना, क्योंकि ऊपर साइड को नहीं लगता है अच्छे से, क्योंकि उसमें काफ़ी सिलवटें आ जाती ना, बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छे से ज़मीन पर बैठ के इसको मतलब पूरा फैला के अच्छे से लगा लूँगी करके, तब मैं इसको अभी लगा रही हूँ और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको लगाने में। और बने रहना ब्लॉग पे और देखते रहना कितना टाइम लगता है इसमें हॉल लगाने में, ठीक है? देखो गाइस इसमें ना, देखो ये ऐसे फैला के अच्छे से बैठाना पड़ता है मुझे, क्योंकि सिलवटें ना आए इसमें, क्योंकि ऊपर साइड को लगाना ना काफ़ी टफ होता है। इससे मैंने उसको अच्छे से साड़ी फैला रखी है फर्श पे, तब जाके मैं उसमें आराम से सिल रही हूँ, ठीक है? कभी भी आपको भी लगाना हो तो ऐसे ही लगाना। कंप्लीट हो गई है, देखो आप लोग, दिखाती हूँ आपको, कंप्लीट हो गया है ये देखो, मतलब आधा 45 मतलब 50 मिनट लग गए थे, आधा घंटे से ऊपर ही लग गया था। ये देखो अच्छा लगा हुआ है, बिल्कुल कहीं पे भी कोई सिलवटें नहीं आई है, काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। अब चलते हैं गार्डन में। गार्डन में ये है मेरी ब्रोकोली, कैसी हो रही है ना, बहुत अच्छी हो रही है ना। तो हम आज ब्रोकली की सब्ज़ी बनाएंगे शाम को, इसीलिए मैं गार्डन में आ गई हूँ कि एक दो ब्रोकली लेके आती हूँ। और देखो ब्रोकली मेरे कितने अच्छे हुए हैं ना, छोटे छोटे बहुत अच्छे हुए हैं। वैसे ना गार्डन में अगर जाती हूँ सब्जी लेने तो वहाँ पे बहुत काम हो जाता है। अभी देखो फिर मेरे को मेथी दिख रही थी, फिर मैंने कहा मेथी काट के ले जाती हूँ, वो तो अच्छा हो गया। फिर उसके बाद बारिश आ गई थी तो मैंने पहले ही काट के ले आई। पर गार्डन में अगर निकलो ना बहुत काम हो जाता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, इसीलिए घर की सब्ज़ी दिखती है खाने के लिए। और पर बहुत अच्छा लगता है गार्डन में काम करना। गार्डन में अगर मैं निकल गई ना, मेरे बच्चे पीछे से ही भाग के आ जाते हैं, दोनों के दोनों। एक तो आ गई है, ये देखो आपको दिख रही ना, ये है दौड़ते हुए, कहाँ पर क्या है कुछ देखना नहीं है, वो छुप भी गई है पीछे से। देखो मेथी की थैली पकड़ के वो छुप गई है और फिर बोलेगी मम्मी आप मुझे कुछ ना कुछ काम तो कराती है। इसके साथ में डस्टर भी था वो, ये देखो आज हम ना ये असीक है ना, असीक को हम ब्रोकली और फूलगोभी खिला रहे हैं, ठीक है? ये देखो बिल्कुल घर से काट के लेके आए हम अभी। गाइस देखो फाइनली शाम हो चुकी है, बत्ती पूजा पाठ हो गई दिल्ली में, ठीक है? टीका लगा दिया, धोती लगा दी पूजा की, और खांसी भी हो रही है बहुत तेज। सब्जी वब्जी काट दी है, क्या काट ली दिखाऊं आपको? सब्जी वब्जी काट चुकी हूँ, सब्जी बन रही है ब्रोकली आलू और मूली, और जो ये तीन आलू है ना इनको मैं वैसे ही उबाल दूंगी, ये क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे
तो आलू उबाल दूंगी तो सुबह के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ब्रोकली बना रही हूँ, ब्रोकली को ऐसा बना लूँगी ये दिखे ही ना, फिर बच्चे खाते नहीं हैं। इसलिए कुकर में पूरा गला के ऐसे नहीं खाते, देखो हल्ला तो मचेगा खाने वक्त, पर कोई बात नहीं खाएंगे। आई होप आज की वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें।